लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक मणि बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को मिशन शक्ति के तहत प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं और बालिकाओं को कई सौगात दी जाएगी। सभी जिलों में पात्र गरीब और असहाय महिलाओं को आवासीय पट्टा दिए जाएंगे। शासन ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश देते हुए गरीब और असहाय महिलाओं को पट्टा दिए जाने की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। रायपुर से हमारे संवाददाता दयाशंकर तिवारी बता रहे हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से देश और राज्य का राजस्व घटने के साथ ही ज्यादातर सेक्टरों में ऋणात्मक विकास दिख रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गुरवा घुरुवा बाड़ी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हुई है। इसके असर से राज्य में कृषि और सेवा क्षेत्र में कारोबार बढ़ा है, जबकि औद्योगिक सेक्टर में विकास ऋणात्मक रहा है। दिल्ली से हमारी संवाददाता नैना बता रही हैं कि दिल्ली में हुनर हाट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहा है, जहां शुक्रवार को प्रसिद्ध गायक सुदेश भोसले ने अपने परफॉर्मेंस दिए, जिसे वहां हुनर हाट में आए खरीदारों में उत्साह देखा गया। वहीं स्टॉल वाले भी काफी उत्साहित दिखे। चुनाव आयोग ने 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। असम में 126 सीटों, तमिलनाडु में 234 सीटों, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों, केरल में 140 सीटों और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए चुनाव होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि सभी राज्यों के चुनाव नतीजे 2 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। मतदान का पहला चरण 27 मार्च को और 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान, 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान और 17 अप्रैल को पांचवें चरण का मतदान, 22 अप्रैल को छठे चरण का मतदान, सातवें चरण का मतदान होगा 26 अप्रैल को, अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की कामयाबी का एक और सितारा आसमान में चमकने जा रहा है। इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-51 इस बार अपने साथ 19 सैटेलाइट के साथ लेकर उड़ान भरने की तैयारी में है। इसके साथ ही भगवद गीता की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति और पीएम मोदी का एक फोटो उनका नाम लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। निजी क्षेत्र का यह पहला सैटेलाइट होगा जो दूसरे अंतरिक्ष मिशन की तरह भगवद गीता, पीएम की फोटो और अन्य 25 लोगों के नामों के लेकर अंतरिक्ष जाने वाला है। इस नैनो सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन काल में राजनीतिक हिंसा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे बेपरवाह हैं। दक्षिणी दिनाजपुर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि लोग ऐसी सरकार नहीं चाहते जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करवाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में होने वाले चुनाव में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो राजनीतिक हिंसा खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा तृणमूल कांग्रेस माँ माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ यह सब लोग जानते हैं। दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 256 नए मामले सामने आए हैं, जो फरवरी में एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं। साथ ही यहां इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई। अधिकारी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। यह लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना वायरस के रोजाना मामले 200 या उसके पार चले गए। राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 220 तथा बुधवार को 200 नए मामले सामने आए थे। इससे पहले 1 से लेकर 23 फरवरी तक रोजाना मामले 200 से नीचे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत किसानों एवं गरीब जनता के खातों में 1,18,455 करोड़ रुपए डाले हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि भाजपा सरकारी स्कूल बंद कर देगी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रदेश में कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा कि कोरोना काल के 10-11 महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम सिद्धि अभियान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिजली बिलों में राहत, स्वयं सहायता समूह और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित विभिन्न जन कल्याण योजना के तहत गरीब जनता के खातों में 1,18,455 करोड़ रुपया डाले हैं।